महान जयंती कुंभराचार्य देवसेन स्वामी आला पद्धति में 21 भावों की व्याख्या करते समझा रहे हैं। तो कल हमने आपको भेष भाव पर व्याख्या किया, वो भेष भाव बहुत अनिवार्य अंग है, अन्यथा जाति संकर, वर्ण संकर, वीर संकर आ जाएगा। सारस्वत जी, जाति संकर, वर्ण संकर, वीर संकर, माता का पक्ष विपरीत है जाति संकर, चार वर्णों से भिन्न वर्ण के साथ शादी किए वर्ण संकर, और किसी के वीर से किसी की संतान उत्पन्न कराई गई है वीर संकर। अब वीर संकर के ये आप लोग समझना चाहिए, वीर संकर कैसे बनेगा कि भाई भाई के भाई के द्वारा भाई की पत्नी के साथ संबंध कर दिया, वीर संकर है ये, क्या है वीर संकर। ठहरते जाइए आप, वर्ण संकर वो जाति संकर पर डालिए, तो ये बातें लोगों को पता नहीं है। वे कहते सामान्य सामान्य संतान पर गहरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए वर्ण संकर भी दोष है, जाति संकर भी दोष है, और वीर संकर संकरण भी दोष है। संकर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये वर्ण है, तो वर्णों का संकर वर्ण वर्ण में होना चाहिए, पर वर्ण में नहीं होना चाहिए सावधि, ठीक है। जाति संकर में जैन जाति की ब्राह्मण जाति, ठीक है ना, तो जाति संस्करण संकर है, तुम्हारे नाना का पक्ष शुद्ध होना चाहिए, समझ ना, जाति संकर हो जाएगा नहीं तो। और वीर संकर ये बड़ा गहरा है कि भाई खत्म हो गया, भाभी को रख लिया, तो जाति संकर भी नहीं है, बल संकर भी नहीं है। अब जो संता हुई वीर संकर की है, इसलिए भेद भेद सिद्धांत में लगाइए, भेद वस्तु स्वभाव में लगाइए, भेद व्यवहार में लगाइए। यदि भेद नहीं करेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। गुण गुण्यादि गुण गुड़ी में भेद, गुण गुड़ी में भेद, भेद स्वभाव नहीं मानोगे ना तो फिर वस्तु ही नहीं बनेगी, वस्तु का वस्तु टिकेगा ही नहीं। बोले क्यों, गुण गुण्यादि आप वस्तु की पहचान कैसे करेंगे कि कुंतु भैया का कुर्ता सफेद है, इनके वस्त्र सफेद है, तो ये क्या हुआ, किसमें किसमें, गुड़गुड़ी में, किसने भेद किया, गुड़गुड़ी में। ये ज्ञान स्वामी आत्मा किसमें भेद हुआ, गुड़गुड़ी में, तो ज्ञान दर्शन गुड़गुड़ी में। तो गुणगुण्य आदि इस पर स्वस गंध वर्ण से युक्त पुद्गल होता है, ये किसका भेद चल रहा है, लक्षण कैसे बना, भेद स्वभाव के बिना लक्षण बनाएंगे क्या वस्तु का, नहीं बन सकता। भेद स्वभाव के बिना बिल्कुल जयंत साहब तुम्हारा इतनी पुण्य तेज है कि तुम क्लास में बैठ रहे हो, यशोदर से बड़ा पुण्य तुम्हारा कहलाएगा, बैठ रहे हो सुनते ही रहना। जयंत सागर जी आप सोचिए, यहां आपको अध्ययन में कुछ नया दिख रहा क्या, दिख रहा ना। अब कल्पना करो आप निर्भीक वक्ता हो, तो निर्भीक वक्ता के लिए गहरा ज्ञान अनिवार्य अंग है, और आप चाहो कि हम प्रवचन करना जानते हैं तो बेटा मैं आपको बताऊं, जैसे कि बिना बंधे श्वान के बच्चे घूरों पे घूमते रहते हैं, देखा आपने,
वो मत स्वच्छंद रूप से, परंतु बंधन में बंधे होने पर भी लाखों के स्वान बिक रहे हैं, मालूम आपको बंधे हैं उसकी कीमत। इसी प्रकार से जो जिनवाणी से बंध जाएगा वक्ता, उस वक्ता की कीमत होगी, और नहीं बंधा उसकी कीमत नहीं है। इसलिए अभी मौका है, एक दो साल ऐसा गंभीर अध्ययन कर लो, फिर जीवन भर तुमको पढ़ा है प्रभावना का। और बाहर तो मुझे मालूम है जिनके साथ जो जा रहा है उन्हें भी तो ज्ञान होना चाहिए तद विषय का, तब तुम्हें ज्ञानी बनाएंगे, नहीं तो कार्यक्रम बनाते रहना। अध्ययन बहुत अनिवार्य है। और अभी अभी इनने जो प्रश्न किया था निसंग सागर जी ने, सम्यक तो सबका एक सा है, तो मैंने तुरंत निषेध कर दिया, नहीं है एक सा। जितना विशुद्ध ज्ञान होगा विशुद्धि उतनी बढ़ेगी 100%। हम तो अनुभव के बैठे ना, अनुभव किए बेटा, हमने पहली बार एक गाथा याद की, हम तो नाच उठे, हमें एक गाथा याद हो गई। ये ज्ञान की महिमा है। जिन्हें नहीं है ज्ञान, पूछो उनको कितनी संकलिष्टता बनती है, बहुत संकलिष्ट बनती है। तद विषय में अंधकार, पूर्ण अंधकार, मना पर ज्ञानी की विशुद्धि क्यों? वर्धमान चारित्र वाले को मना पर होता है, सबको नहीं होता। सर्वावधि परमावधि, अब ये क्या नाम, आप सब त्यागी वृंद हैं, जिस उद्देश्य से यहां विराजते हो वही उद्देश्य तुम्हारा टिका रहना चाहिए। बाहर के इतने उद्देश्य आ गए ना तो ये आनंद नष्ट हो जाएगा। इस हमेशा वही आनंद है, अरे इस गुण विद्या का आनंद कौन जानता, कौन जानता? दुनिया सारे आनंद ले सकती है, इसका आनंद कौन लेने वाला? बिरले जीव है। सबसे बड़ा उदाहरण पुण्य बेकुंतु भैया है, आपको जानते थे, मुझे जानते थे क्या? भैया कैसे आ गए यहां पर? कहीं ना कहीं तो खोजबीन की होगी ना, भैया यहां तक कैसे आ गए कुंतु भैया? हैं? मुझे नहीं, आपको मालूम कैसे चला कि कोई विशुद्ध सागर नाम के महाराज है? देखा टीवी पे, देखा वहां, देखकर उनको अनुभव हुआ कि वहां जाना चाहिए अपन को, विराजो। अब प्रश्न ही ना, इतने गुण ज्ञान के लिए स्वयं की गुण भावना चाहिए। मालूम सारस्वत निर्वाण सागर जी थोबन जी में थे, मतलब उनके पास भी इक्के दुक्के लोग महाराज जी को सुनने के लिए जाते थे, दूर दूर से, दिल्ली बंबई से लोग आते थे निर्माण साहब पास जा रहे दर्शन करने के लिए। तो वो साधक के पास भी लोग गए कि नहीं गए? जाएंगे, व्यक्ति को पिपासा होना चाहिए। भेद स्वभाव, तो गुड़गुड़ी में भेद स्वभाव, समझ में आ रहा ना? गुड़ यानी जैसे कि ये सफेद है, ये हो गया इसका गुड़, और पेंसिल ये गुड़ी, मिश्री मीठी है, मीठा हो गया गुड़ और मिश्री हो गई गुड़ी, ज्ञान दर्शन ये है गुड़, आत्मा हो गई गुड़ी। अब तो समझ में आ गया, लक्ष्य लक्षण, तो आद्भुत अनाद्भुत या आद्भुत की व्याख्या कर रहे हैं अभी। तो गुड़गुड़ी यानी आद्भुत लक्षण, अनाद्भुत लक्षण नहीं बनता गुड़गुड़ी में। ये लक्ष्य लक्षण तभी बनता है जब भेद स्वभाव होता है। गुड़गुड़ी संज्ञा भेदादि भेद स्वभाव, उस संज्ञा के पेक्षा से भेद स्वभाव, संज्ञा के पेक्षा से भेद स्वभाव। जैसे वृक्ष 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 सब एकत्वभूत हैं, शीशम सागौन नीम इमली अम्र आदि आदि, तो ये क्या है? संज्ञा पेक्षा से भेद स्वभाव। अब मुनिराज को लेके आओ, अरे मुनिराज को लेके, तो कौन से मुनिराज को लेके आओ?
अरे भाई सारस्वत जी, जयेंद्र जी, श्याम जी, आपने भेद स्वाप कर दिया। भेषवाप, यदि संज्ञा से भेद नहीं करोगे तो लोक व्यवहार नहीं बनेगा। पुनः चलिए भाई तीर्थंकरों की माला फेरो। बोल महाराज जी हम कौन से तीर्थंकर की माला फेरे? आप ऋषभ देव की फेर लो। संज्ञा से भेद हो गया। महाराज जी तीर्थ वंदना करने जाना है। अरे जाना तो कौन से तीर्थ चला जाऊं? बोले शंबे शिखर, गिरनार जी, चंपापुर जी, पावापुर जी, सोनागिर जी। अरे भेद स्वभाव। ग्रंथ पढ़िए, ग्रंथ पढ़िए। गुरु जी कौन सा ग्रंथ पढ़ूं? समयसार जी, रायवार्तिक जी, श्री धवल जी, जय धवल जी, महाबन जी, भेद स्वभाव। भैया जी को बुला के ला। तो कौन से भैया जी को? रवि जी को। तो प्रश्न ये, पिंकू है कहाँ? स्वप्न स्वभाव में है कि स्वर्ण स्वभाव में है? तो बालक तुमको याद हो गया, बहुत अच्छा किया, समझ लिया, बहुत अच्छा किया। लेकिन आप उसका विस्तार समझो, अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो भेद स्वभाव, यदि भेद स्वभाव नहीं करेंगे तो संसार का लोक व्यवहार भी नहीं चलेगा। अब तो सारस्वत जी आप बिल्कुल अच्छे से कह सकते बेटा, नाम ध्येय नहीं बन पाएगा, स्थापना ध्येय भी नहीं बना पाएंगे, द्रव ध्येय भी नहीं बना पाएंगे, भाव भेद भी नहीं बना पाएंगे। तो और आप छह प्रकार की सामयिक, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, नाम, स्थापना, छह प्रकार का प्रतीकरण, छह प्रकार की सामयिक, छह प्रकार का प्रतिख्यान, ये छह छह प्रकार की छठ आवश्यक के भेद छह छह प्रकार से बिठा। इसलिए और पंचाशिकाएं, नौ पदार्थ, छह द्रव्य, त्रैकाल्य, षटलेश्या, ये कैसे बनेंगे? भेद स्वभाव। ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक कैसे बनेंगे? भेद स्वभाव। और पर्याप्ति, प्राण, गुणस्थान, मार्गणा, ये किससे बनेंगे? जीव समास, भेद स्वभाव। संपूर्ण पृथ्वी, अभी आपने मूलाचार्य जी में 26 प्रकार की पृथ्वी पढ़ी है, ठीक है ना? कैसे बनेंगे? श्रावकों की 11 प्रतिमाएं कैसे बनेंगे? इसलिए नाना नगरों के नाम कैसे जानेंगे? संज्ञा भेद से जानेंगे। और ये आपकी वस्तु दूसरे की वस्तु है कैसे जानेंगे? भेद स्वभाव से जानेंगे। ये माइक है, ये टॉर्च है, ये पेंसिल है, कैसे जानोगे? भेद स्वभाव से जानेंगे। संपूर्ण परमार्थ, संपूर्ण लोक व्यवस्था, विभाव जो भी चलता है भेद स्वभाव से चलता है, ऐसा जानना चाहिए। आगे अभेद स्वभाव की व्याख्या करेंगे। भेद विराट है तो अभेद भी विराट है, ठीक है?